अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में पशु तस्करी का कारोबार दस्तूर जारी है। रीवा जिले के गढ़ हनुमना मऊगंज मनगवा थाना क्षेत्र से है, जहां जानवरों को भरपूर यूपी नागपुर भेजा जाता है। वहीं से मरिया थाना क्षेत्र के गोवंश के साथ साथ भैंसों की सप्लाई उत्तर प्रदेश और नागपुर की जाती है। लगातार पशु तस्करी की सूचना के बाद हमारे प्रतिनिधि ने मौके पर पहुँच कर जायजा लिया, तो सिमरिया थाना क्षेत्र के आकोनी गाँव में ट्रैक क्रमांक UP 7180-6674 और UP 9680-6367 में जानवरों को लोड किया जाता। हालांकि रिकॉर्डिंग करते देख ट्रक चालक मौके से भाग निकले। जब उक्त मामले की जानकारी सिमरिया पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पशु तस्कर गांव की तंग गलियों में बड़े वाहनों को खड़ा करते हैं, जहां से इनके दलाल पशु लोड करवाते हैं, जिन्हें काटने के लिए भेजा जाता है। माना जा रहा है कि इन्हीं पशु तस्करों के द्वारा भेड़ बकरियों की चोरी भी की जाती है, जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया